ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे ही गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस आप लोग जो अभी इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लो, इस बैकग्राउंड को आपको डाउनलोड करना है। देन आपको पोज जो रखना है इसको जिस टाइप का रखना है एंड ध्यान से देख लेना गाइस पोज, ठीक है। बहुत ही सिंपल पोज है, आपको बस एक चेयर पर बैठ के आपको बस फोटो क्लिक करवाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको गाइस करना है कि आपको पहले पिक्सआर्ट में इस बैकग्राउंड को ओपन करना है। देन उसके बाद आप सभी को नीचे स्क्रॉल करना है, आपको वहाँ पे मिलेगा ऑप्शन ऐड फोटो का, ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि जहाँ से आप सभी को अपने यहाँ पे मॉडल को ऐड करना है, ठीक है, जो कि आपने क्लिक किया होगा उसको सीरीज कर लेना पहले ही। मैंने इसका पहले सीरीज कर रखा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आपको बैकग्राउंड ड्रेस करना नहीं आता होगा तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर को कुछ इस टाइप से यहाँ पे बैठा देना है एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे मॉडल के नीचे शेडो भी बनानी है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, शेडो बनाना मत भूलना। कई बार मैंने देखा फोटोज़ में कई बार शेडो बनाना भूल जाते हैं। तो आपको देखिए गाइस शेडो कैसे बनानी है वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। सिंपली गाइस यहाँ से ऐड फोटो में जाना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको गाइस ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गाइस देखिए फुल स्क्रीन करना है पहले से। एंड उसके बाद इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन करना है, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद साइज़ को छोटा करना है एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस जहाँ जहाँ पे आपको शेडो चाहिए वहाँ वहाँ पे आपको सिंपली पेंट कर लेना है। सो अगर शेडो वेडो बनने के बाद जो आप सभी को करना है क्या गाइस, यहाँ पे आप सभी को थोड़ी सी ओपेसिटीज की कम कर लेनी है एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे फोटो कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस आपको इसमें एक पीएनजी ऐड करना है विग्नेट का, उसके लिए आपको ऐड फोटो में जाना है एंड उसको वहाँ से ऐड करना है, ठीक है। एंड उसको ऐड करने के बाद जो आप सभी को क्या करना है, आपको उसको यहाँ पे सिंपली फुल स्क्रीन करना है, ठीक। फुल स्क्रीन कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फोटो को डन कर देना है एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिक्सआर्ट का काम हो चुका है तो अभी हमें लाइट रूम का जो काम है वो लाइट रूम ऐप में करेंगे। तो अभी हम इसको फिलहाल सेव कर लेते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में गाइस फोटो को ले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, आपको उसको हल्का सा इंक्रीज करना है। हाईलाइट जो है आपको इसको भी इंक्रीज करना है एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज करना है एंड जो वाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है एंड यहाँ से जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है। फिर जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का जो टेम्परेचर इसको कम करना है। फिर कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको येलो कलर में जाना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ग्रीन कलर लेना है इसका सैचुरेशन एंड ब्लू कलर का भी सैचुरेशन माइनस, ठीक। अब गाइस यहाँ पे आपको कर देना अपनी फोटो को डन। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, यहाँ से गाइस आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको एक ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड इसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन है इसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो की एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चैनल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।